Konnichiwa Mina-san, ogenki desu ka? Hi everyone, this is Sakshi. Welcome to Japanese 24/7. Hope you all are doing great. Today we're going to introduce ourselves in Japanese. Yes, aaj hum learn karne wale hain ki hum apne aap ko kaise Japanese mein introduce kar sakte hain. All right. Self introduction ko hum Japanese mein jiko shokai kehte hain. Let's see. Self introduction. जिको है जिको शोका. आप ये सोच रहे होंगे बार क्या है, तो इसका मतलब है लॉन्ग साउंड. लॉन्ग साउंड मतलब जिको शोका है, मतलब पे थोड़ा ये बार होती है, मतलब हमें उसको समझ लीजिए ओ यू है शोका है. ऑलराइट, हम बाद में सीखेंगे. एनीवे, कमिंग बैक टू आवर इंट्रोडक्शन. ऑलराइट, मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना, और उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कहा क्या. हाजी में माश्ते वाता शिवा साक्षी दिस इन दो जिन दिस दोजो योरोशिको ओनेगाइशिमास. वंस अगेन अ लिटिल स्लोअर दिस टाइम. हाजी में माश्ते वाता शिवा साक्षी दिस इन दो जिन दिस योरोशिको ओनेगाइशिमास. ऑलराइट, क्या आपको कुछ भी समझ आया? एनीवे, चलिए मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या किया. फर्स्ट वर्ड जो मैंने बोला वो था हाजी में माशिते. हाजी में माशिते. हाजी में माशिते मतलब, हाजी में मतलब कुछ किसी भी चीज को बिगिन करना. हाजी में थे मतलब फर्स्ट टाइम. तो हाजी में माश्ते हम तब बोलते हैं जब हम व्हेन वी आर मीटिंग समबडी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो जब भी हम किसी को सबसे पहली बार मिल रहे हैं तब हम उनको बोलते हैं हाजी में माश्ते. तो हाजी में माश्ते मतलब नाइस टू मीट यू, हाउ डू यू डू. ऑलराइट, उसके बाद मैंने बोला वाताशी वा साक्षी दिस. वाताशी मतलब आई. फिर मैंने बोला वा, वाताशी वा. वा इज अ पार्टिकल. वा एक पार्टिकल है. पार्टिकल मतलब जैसे हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए जिन चीजों की हमें एक सेंटेंस में जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम पार्टिकल यूज करते हैं जिनसे वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल बनते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जापानीज में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये फॉर्मेट रहता है हमारे जापानीज सेंटेंस क्रिएशन का. वेर एज इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, तो इंग्लिश में बोलूंगी आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, तो मैं सब्जेक्ट हूं आई, वर्ब इज प्लेइंग और बॉल हो गई ऑब्जेक्ट. जापानीज में अगर इसको देखेंगे वाता शिवा बोरुदे असोबिमास बोलते हैं. तो अगर मुझे ये बोलना है तो मैं सब्जेक्ट वाता शिवा, वाताशी हो गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद आ गया, बॉल बीच में आएगा बोरु, और वर्ब हो गया असोबिमास प्ले करना, या वाता शिवा साक्का ओशिमास मतलब फुटबॉल खेलती हूं मैं, तो वर्ब बाद में आता है. ये हो गया जापानीज सेंटेंस क्रिएशन. जापानीज बहुत कुछ हिंदी जैसी है. अगर मैं हिंदी बोलूं मैं बॉल के साथ खेलती हूं तो वो जापानीज जैसा होगा. हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं. तो हिंदी से एक्चुअली जापानीज सीखना इजियर है देन इंग्लिश से. एनीवे, कमिंग बैक टू आवर इंट्रोडक्शन, वा एक पार्टिकल है जैसा कि मैंने बताया. वा ऐसा पार्टिकल है जो सब्जेक्ट को मार्क करता है या टॉपिक को मार्क करता है किसी सेंटेंस में. जैसे उससे बेसिकली वा से पहले जो भी आएगा वो बताता है कि मैं इस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ. जैसे मैंने बोला वाताशी वा मतलब मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ. वाताशी इज आए, मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ. मैं बोल रही हूँ कुमार सान वा. सान आपको शायद पता होगा कि हम सान एक सफिक्स है और हम किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए उनको सान उनके नाम के साथ लगाते हैं जापान में. जापान में हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो जैसे कि हिंदी में हम बोलेंगे कुमार जी, वैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मिस्टर कुमार, जापान में हम बोलते हैं कुमार सान.
सबके नाम के साथ, मोस्टली हम सबके नाम के साथ सान लगाते हैं, स्पेशली एल्डर्स के साथ जिनको हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या जिनको हम उतने अच्छे से नहीं जानते उनके साथ। बच्चों के नाम के साथ चांद लगाते हैं और लव्ड वंस के साथ भी चांद लगाते हैं। सान चांद बच्चों के साथ। और आपने शिनचैन सुना होगा, हम लोग शिनचैन बोलते आए हैं बट वो शिनचान होता है। शिन बच्चे का नाम, शिन एक बच्चे का नाम है, किड्स नेम, राइट। और चान जो है, चान हमारा सफिक्स है जो बच्चों के नाम के साथ लगता है। इनफैक्ट जापान में लोग डॉग को भी इनू चान बोलते हैं, अपने डॉग्स को भी, क्योंकि हमें उन पर बड़ा प्यार आता है, हम लोग इनू चान बोलते हैं। ऐसे ही लड़कों के लिए जो हमारे क्लोज, लड़कियों के लिए हम भी हम चान यूज करते हैं अगर हम उनसे क्लोज हैं तो, और लड़कों के लिए हम यूज करते हैं कुन कुन। सो ये सब सफिक्सेस हैं जो हम नाम के साथ लगाते हैं। तो अगर मुझे किसी लड़के को बोलना है हीरो कुन, किसी का नाम है हीरो, तो मैं बोलूंगी हीरो कुन। बच्चे का मैंने आपको ऑलरेडी बताया शिनचान। और सान किसी के भी नाम के साथ, ताना का सान है, अपने नाम के साथ पर कभी हम सान नहीं लगाते हैं। अपने हम अपने नाम को हम ऐसे ही बताते हैं और अपने बारे में हम माताशी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एनीवे, कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन, मैंने बोला हाजी में माशिते वाता शिवा साक्षी दिस। साक्षी या कोई भी नाम, अगर मुझे बोलना है मेरा नाम है वही अगेन जॉन, मैं बोलती हूँ वाता शिवा जॉन दिस। मेरा नाम है करीना, मैं बोलूंगी वाता शिवा कारीना दिस, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बारी, वाता शिवा, ये हो गया वाताशी वा साक्षी दिस। ऑलराइट, तो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, वाता शिवा साक्षी दिस। अब मैं आपको यहां बता रही हूँ दिस, इसको हम दिसू नहीं बोलते हैं, ये यू साइलेंट रहता है दिस। ये एक सेंटेंस के ये वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है और पार्टिकल की तरह भी। ये नॉर्मली सेंटेंस के सबसे एंड में आता है और इसका मतलब है इज एम आर, मैं साक्षी हूं। तो ये हूं की जगह आप ये ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी से समझना इजी है। अगर मैं इंग्लिश में बोलू आई एम साक्षी, तो आई एम साक्षी। वी आर स्टूडेंट्स, वाताशी ताची वा काक्से दिस। वाताशी वा साक्षी के लिए वाताशी वा साक्षी दिस, आई एम साक्षी। वाताशी ताची, जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, मेरा ग्रुप, तो वाताशी ताची, जब ज्यादा लोग हैं तो वाताशी ताची वा काक्से दिस। काक्से मतलब स्टूडेंट, तो आर हम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। शी इज करीना, तो मैं बोलूंगी करी, या मैं बोलना चाहती हूँ वो करीना सान है, तब भी मैं ये दिस लगाऊंगी एंड में। एनीवे, तो ये हो गया हाजी में माशते वाता शिवा, कोई भी नाम, कोई भी नाम, यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, साक्षी दिस। ऑल राइट, उसके बाद मैंने बोला योरोशिको, दोजो योरोशिको ओनेगाइशिमास, राइट। इसका मतलब है दोजो योरोशिको ओनेगाइशी मास, हाय। इसका मतलब है, इसका एक्चुअली मतलब है कि प्लीज, मेरा इसका लिटरल मीनिंग ये है, प्लीज टेक केयर ऑफ मी, मेरा ध्यान रखिए, आई प्लेस माई सेल्फ इन योर हैंड्स एंड लेट्स हैव अ गुड रिलेशनशिप इन फ्यूचर, इसका कुछ ऐसा मतलब है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम इसका नहीं कर सकते, वो सेंस नहीं बनेगी, बट इसका कुछ ऐसा मतलब है। नॉर्मली ये फ्रेज एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के एंड में आता है। एनीवे, मैंने एक और चीज बोली थी इंडोजिन दिस, इंडोजिन मतलब इंडोजिन दिस, इंडोजिन दिस, इंडोजिन। ये जिन जो है ये भी एक सफिक्स है, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो हम किसी भी नाम के साथ लगाते हैं और उसका मतलब चेंज कर देता है वो उस नाम या उस वर्ड का, तो वो होता है सफिक्स। एनीवे, इंडोजिन मतलब जिन हम नॉर्मली नेशनैलिटी यूज, नेशनैलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं इंडियन हूं, तो मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इंडोजिन दिस, इंडोजिन मतलब
इंडियन, मैं इंडियन हूँ. अब नॉर्मली पूरा सेंटेंस होता है वाता शिवा इंडोजिनस, बट जैसे हम बार बार ये नहीं बोलते ना कि आई एम साक्षी, आई एम एन इंडियन, हम उस आई को बार बार ओमिट कर देते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं, वैसे ही हम वाताशी अगेन एंड अगेन नहीं बोलेंगे, वी टेन टू ओमिट इट. तो हम बोलते हैं इंडोजिनस, तो मैं इंडियन हूँ. ऐसे ही कई कंट्रीज का, अमेरिका अगर समझ लीजिए मैं अमेरिका से हूँ तो आई कैन से अमेरिका जिन, अमेरिका जिन, ऐसे जापानीज में हम लिखते हैं ऐसे अमेरिका जिन. मैं चाइना से हूं, चाइना को हम बोलते हैं चूगोकू, चूगोकू, तो हम बोलेंगे चूगोकू जिन. तो जिस भी कंट्री का नाम है उसके साथ हम जिन लगा देते हैं, तो जिन जो है वो उस जगह की नेशनैलिटी बताता है कि मैं कहां से हूं. मैं एक और चीज बोल सकती थी कि इंडो कारा के माश्ता, कारा एक पार्टिकल है जिसका मतलब है फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडो कारा के माश्ता. इंडो, इंडिया को हम बोलते हैं इंडो, तो मैं हूं इंडोजिन. घबराइए नहीं, हम इस सबको, मैं ये वोकैबलरी एक बार बताने वाली हूँ ऑलरेडी. मैं आपको सारी वोकैबलरी लिख के एक बारी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं. तो एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं, मैंने क्या बोला आज, मैंने बोला हाजी, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, आई विल रिपीट इट अगेन. हाजी में माश्ते वाता शिवा साक्षी दिस इंदोजिन दिस योरोशिको ओने गाइशिमास. ये मैंने आपको समझा दिया हाजी में माश्ते, जब हम सबसे पहली बार किसी से पहली बार मिलते हैं तब हम यूज करते हैं, फॉर हाउ डू यू डू, नाइस टू मीट यू. वाता शी इज आई, वा एक पार्टिकल है जो एक सब्जेक्ट मार्क करता है, वो बताता है कि वा से पहले जो भी है मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ, मैं वाताशी के बारे में बात करने वाली हूँ, मतलब अपने बारे में. ऑल राइट, दिस इज इट्स यूज एट द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, पार्टिकल की तरह भी, और ये बताता है इज एम आर. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसको नेगेटिव, अगर मैं साक्षी नहीं हूं बोलना है मुझे तब हम कैसे बोलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. दोजो योरोशिको ने गाइशिमास, प्लीज टेक केयर ऑफ मी, इसका लिटरल मीनिंग ये है. तो इस समझ लीजिए कि मैं, आई वांट टू से आई होप टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद यू इन फ्यूचर. राइट, इंडोजिनस अगेन आई टोल्ड यू, इंडोजिन मतलब किसी भी कंट्री के साथ अगर हम जिन लगाते हैं तो वो उसकी नेशनैलिटी बताता है. ऐसे एक और छोटा सा चीज मैं आपको बताती हूँ. इंडिया की लैंग्वेज है हिंदी, बहुत लैंग्वेजेस हैं, बट अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी को मैं कैसे बोलूंगी जापानीज में, हिंदी को. राइट, ऐसे ही जापानीज को, जापानीज अगर मुझे बोलनी है, जापानीज को हम क्या बोलते हैं, निहोन, जापान को हम बोलते हैं, तो निहोन गो, निहोंगो जापानीज. ऐसे ही मुझे बोलना है कोरिया को हम बोलते हैं कांकोकू, कांकोकू. राइट, तो कांकोकू गो कोरियन. ऐसे ही अमेरिका में क्या यूज होती है, इंग्लिश, अमेरिका को नहीं बोलेंगे, अमेरिका में यूज होती है इंग्लिश. राइट, हम बोलते हैं उसको एगो. तो किसी भी गो से हम बताते हैं कि हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. मैं आपको एक टेबल दूंगी जिसमें जिन और गो हम लगा के कैसे कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसकी नेशनैलिटी और उसकी कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात करें, उसके बारे में आप समझ जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, आप ये इंट्रोडक्शन प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Thank you.